भोले को जाना है दूर, हंगामे से कांवड़िए हैं मजबूर। तो जिस तरह से इस वक्त सावन मास चल रहा है और कांवड़ यात्रा निकल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, और जिस तरह के हंगामे और तमाम तरह के उपद्रव बार बार हर साल देखने को मिलते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। आपको क्या लगता है, कहाँ कमी रह जाती है जो इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है? कांवड़ यात्रा में अधिकतर लोग धार्मिक तो बहुत होते हैं, कट्टर धार्मिक होते हैं, फिर भी ये लोग कानून व्यवस्था या पढ़ाई लिखाई या संस्कारों से इनका लेना देना नहीं होता। ये अपने धर्म प्रति इतने कट्टर होते हैं, सामने कोई भी पड़ता है, पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, मंत्री हो या इनका भाई हो, वो जरूर मार देते हैं। ये सब शिक्षा का अभाव है। इन लोग कैसे कंट्रोल हो? कंट्रोल के लिए भाई इनको मारना भी गलत है, इन पर सख्ती पुलिस द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन किसी के ऊपर हाथ प्रशासन भी उठाए ये भी गलत है। तो इनको इनसे कैसे, जो हंगामे होते हैं बवाल होता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हंगामा बवाल आप कई बार कह रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वो बहुत बहुत मिनिमम है, और बहुत मिनिमम की ये चर्चा भी इस समय जो हम लोग कर रहे हैं ये बहुत वाजिब चर्चा है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी हंगामे को लेकर के कह रहे हैं कि जो रास्ते में हंगामा होता है या दिक्कत होती है, इस पर हम लोग चर्चा करें, तो ये आप जानिए कि धार्मिक भावना से जो ओतप्रोत रहता है वो विवादों से बहुत दूर रहता है। लेकिन विवाद तब आता है जब उनके साथ कोई अन्याय होता है, तब उन लोगों को लगता है कि हम इन आस्था के साथ निकले हुए हैं और अगर हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई मिसहैपनिंग होती है या कोई कम्युनिकेशन गैप होता है जो कोई विवाद को जन्म लेता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर इतनी बड़ी बात है कि हंगामा कहीं दिखता हो या कोई बवाल दिखता हो, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। आपको क्या लगता है क्यों होता है, क्या क्या होना चाहिए? क्या नहीं है, देखिए जब ये लोग चलते हैं माप बना करके, तो देखिए हर तरीके की, अब मान लीजिए अब आप पैदल जा रहे हैं कहीं से कोई गलती, देखिए ये कांवड़ यात्रा, एक तो ये लोग नशे में होते हैं जो है, जो भी नशा अपना जो है भगवान भोले का प्रसाद कहते हैं ये लोग, और उसके बाद कोई भी मान लीजिए गाड़ी वाला जा रहा है, कोई भी जा रहा है, देखिए हर इंसान से गलतियां होती है, मगर जिस तरह से ये लोग बर्बरतापूर्वक उपद्रव करते हैं ये गलत है, ये सरासर गलत है। और वहाँ पर पुलिस जो है मूर्ख दर्शक बनी खड़ी रहती है, ये तो सत्ता और शासन ही जाने, प्रशासन इसमें क्यों नहीं टाइट होता है? देखिए आप धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे हैं और आप जगह जगह बवाल करेंगे, ये भी गलत है, और इसके लिए तो जो है देखिए प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा। और जिस तरह से अभी परसों देखा गया है जो है उत्तराखंड रास्ते पे एक कार के ऊपर जो चल चल करके नंगाई और बवाल किए हुए हैं, तो इससे ये एकदम गलत है। और धार्मिक कांवड़ यात्रा पर ज़्यादा आप क्या कहेंगे? आप क्या देखिए, धार्मिक यात्रा में ज़्यादातर जाने वाले नवयुवक होते हैं, 80% तो नए लड़के होते हैं भाई। अपने धर्म के प्रति सभी को लगता है कि मेरी ये धार्मिक यात्रा है, अगर उन्हें किसी तरह की कुछ परेशानी रास्ते में होती तभी वो कुछ उपद्रव करते हैं, अन्यथा सब शांति से अपनी धर्म की यात्रा को पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जा करके तोड़ फोड़ के ही उद्देश्य से ही निकले हैं, ऐसा कुछ नहीं, बिना उनको छेड़े को वो बोलते नहीं हैं। कोई उनको छेड़ता है कांवड़ यात्रा के दौरान, तभी आपको लगता है कि कुछ उपद्रव होता है, कोई बवाल होता है, जो तस्वीरें हम देखते हैं अक्सर? हाँ बिल्कुल, बवाल होता है। जो योगी जी ने अभी निर्णय लिया था, ठीक निर्णय लिया था, नेम प्लेट लगना चाहिए, जैसे पुलिस वाला नेम प्लेट लगाता है, एक IAS नेम प्लेट लगाता है, वैसे दुकानदार क्यों नहीं लगा सकता, क्या समस्या है उनको लगाने में? बिल्कुल लगा सकता है। और नियम भी 100% एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन अगर आप कराने जाते हैं किसी दुकान का, तो जैसे यहाँ सैमसंग का बोर्ड लगा हुआ है, वीवो का बोर्ड लगा हुआ है, उसे हम लग लिया हैं, दीनदयाल उपाध्याय का नाम लग गया, किसी का नाम लग गया, क्या बुराई है? बवाल जो होता है कांवड़ यात्रा में, आपने देखा है कि कहीं पर कोई तोड़फोड़ हो जाती है, आगजनी हो जाती है, कोई गाड़ी जा रही होती है छू जाती है तो लोग हमला कर देते हैं जो कांवड़िए होते हैं, क्या वजह मान? वजह तो बहुत सारे हो सकते हैं, कभी कई आपस में भी उपद्रव हो जाता है, कभी कोई धार्मिक बात पर उपद्रव हो जाता है, एक विशेष समूह के लोग जो है कुछ उपद्रव करने लगते हैं, तो वजह कई सारी हो जाती है, वो समय पर निर्भर करता है। ज़्यादातर जो होता है वो यही खान पान को लेकर गलतफहमी शुरू हो जाती है, कभी कभी सही भी घटना होती है, गलत बातें चली जाती है, सही नहीं भी होती, फिर अफवाह हो जाता है और मारपीट आगजनी शुरू हो जाती है, ये भी होता है। तो ये बोलना कि क्या सही कारण है, तो ये एक सार्वजनिक नहीं बोला जा सकता है। आपको क्या लगेगा, जोश और उन्माद में इस तरह की घटनाएँ होती हैं और इस पर नियंत्रण नहीं हो पाता? कभी कदार लोग भावना में बह जाते हैं, दोनों तरफ के लोग धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत रहते हैं, मगर 99.9% झगड़ा जो है एक हाथ ताली एक हाथ से बजती नहीं है, दोनों हाथ से बजती है,
और इसके लिए प्रशासन इस बार कुछ उपाय अपना रही है, देखा जाता है कैसा निकलता है कैसा नहीं निकलता, मगर जब तक कांवरियों को छेड़िए नहीं तो बोलते नहीं। मॉब में रहते हैं, भीड़ रहती है, इसी वजह से उपद्रव होता है। तो भीड़ में जो भी रहता है उपद्रव करता है, भीड़ में जो भी रहेगा उपद्रव करेगा ही। तो अगर 99% छेड़िएगा तभी भीड़ में उपद्रव होता है, ना छेड़िएगा तो भी भीड़ में उपद्रव नहीं होती है। जब तक कोई छेड़ता नहीं तब तक कोई उपद्रव नहीं होता। कुल मिलाकर जब हम दुकानदारों को बताते हैं कि इनका नाम वहाँ नोट होना चाहिए, तो हमारे कांवरिया जो जा रहे हैं हर जिले या किसी गांव से जा रहे हैं, इनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बकायदे इनको आईडी कार्ड मिलना चाहिए। आईडी कार्ड अपने गले में लगाए रहेंगे तो कहीं भी लड़ाई दंगा करेंगे, और कौन है जा रहा है उसमें कोई अपराधी नहीं जा रहा है, और या कांवर वालों का हतोत्साहित करने के लिए मारपीट नहीं कर रहा है, दंगा फसाद करने वाला नहीं, इसका भी आईडी, सभी को आईडी मिलना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि जगह जगह पुलिस इनके नाम पते नोट करती रहे, जैसे आईडी अब नहीं दिए हैं तो इनका नाम पता नोट करते हैं, इनका आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, इन्हें आर्थिक रूप से कुछ सहयोग भी गवर्नमेंट को देना चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लेकिन हिंदुओं के लिए हमने विशेष रूप से क्या किया, वो धर्म के लिए जा रहे हैं पैदल जा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं की है, अब बताते हैं हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे जी, क्या लगता है? देखिए झगड़ालू तो ये नहीं होते, जो जितने जो आस्था से ओतप्रोत रहते हैं उस झगड़ालू नहीं होते। उसी झगड़े को ख़त्म करने का उपाय माननीय योगी जी ने किया है कि वो लोग अपने अपने भोजनालय पे अपनी जगहों पर नेम प्लेट लगा दें, लेकिन झगड़ा करते हैं तो आप हमें देखिए कुछ जिस चीज़ का उदाहरण आप ले रहे हैं, आप बहुत पहले की देखिए जब सपा की सरकार हुआ करती थी तो ज़रूर एक गुंडई और एक अलग तरीके का माहौल हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में आप कांवड़ियों का विवाद अगर कहीं देखिए बताइए तो बिना जेन्युइन रीज़न के कोई विवाद नहीं होता, और वो कांवड़ियों पर ही नहीं होता, किसी भी धर्म संप्रदाय का जुलूस जब निकलता तो देखिए कितने आतंकों की तरह नाटक करते हैं, कितनी बदतमीजियाँ होती हैं, कितनी खुरापात करते हैं, वो अपने आप को शो करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा अगर कंपेयर करेंगे तो कांवड़ यात्रा एकदम शुद्ध शांति और अच्छे ढंग से होती है, और विवाद आप मान के चलिए नहीं के बराबर है। आप पूरे प्रदेश भर में अगर विवाद को काउंट करेंगे और ख़ासतौर से बाबा के राज में, तो आप ये देख मानिएगा कि नहीं के बराबर मतलब नहीं के बराबर। तो अब नहीं के बराबर, पहले ज़्यादा होता था, अब तो काफ़ी कंट्रोल हो गया आप कह रहे हैं, क्या लगता है आपको? कहीं से कोई कंट्रोल नहीं है, हर साल ऐसे ही विवाद होते हैं, हर ज़िले में होते हैं, ज़्यादातर जो है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र हर जगह विवाद बहुत होते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम खाने पीने का कोई विवाद नहीं है। देखिए ये सफ़र में यात्रा में देखिए अभी 4-5 दिन पहले 3-4 कांवड़ यात्री ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया जो है, तो ये एक आम हो चुका है हर साल कांवड़ यात्रा में काफ़ी लोग जो है देखिए मारे जाते हैं, और इस पर जो है कोई इस पर प्रशासन कोई तवज्जो नहीं देता, कोई रोक नहीं करता, क्योंकि क्योंकि जो हमारे प्रदेश की सरकार है ये इस पर कानून व्यवस्था की कोई पाबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं। आप अभी परसों देखिए पुलिस खड़ी है, लोग बवाल कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, सब कुछ तोड़ रहे हैं, पुलिस मूर्ख दर्शक बनी खड़ी हुई है, तो इसका क्या कारण है? जैसे जेन्युइन आप कह रहे हैं कि उपद्रव कंट्रोल नहीं हो पाता, और आप कह रहे थे कि बिना जेन्युइन वजह के उपद्रव नहीं। देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जब हमारा कोई आयोजन होता है कोई धर्म का विशेष समय चल रहा होता है तो हम पे ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। अभी उनके कल जब विशेष समुदाय का कोई जुलूस निकलता है तो उसमें सब सुरक्षा में लग जाते हैं, क्या हम ही उपद्रवी नजर आते हैं क्या? हम चूंकि बहुसंख्यक हैं तो हमारी भीड़ भी उतनी दिखेगी, अब उसमें लोगों को चुभन होती है, और ऐसा कुछ है नहीं, ना कहीं उपद्रव होता है ना उपद्रवी होते हैं, इतनी वो धर्म से आस्था से जुड़े रहे, पैदल 40-40, 50-50 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर की यात्रा जल भर के करते, तो उपद्रव करने के लिए निकले, ऐसा कुछ नहीं, जब तक उनको कोई परेशानी नहीं दी जाती, कोई उपद्रव नहीं किया जाता, तब तक वो प्रत्युत्तर में कुछ करते नहीं हैं। तो जब तक उनको कोई परेशान नहीं करता तब तक उपद्रव नहीं करते, आपको क्या लगता है कहाँ पे चूक रह जाती है या किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए उपद्रव तो नहीं करते, बात सही है, और कभी भी आज भी देखिए कि अगर ये क्या नाम है पंडित और स्वतंत्र सेनानी क्या थे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो अंग्रेज़ों ने कारतूस में गाय की चर्बी लगाई थी तो वहीं शुरुआत हुआ, हाँ मंगल पांडे जी थे, उसी शुरुआत हुई थी। तो आज भी जब भी उपद्रव होता है कहीं ना कहीं उनके आस्था पर ठेस कोई ना कोई पहुंचाता है,
मजाक उड़ा लेगा, ये क्या जा रहे हैं कांवड़िया का, कुछ ना कुछ कर देगा, खाने पीने में कुछ ना मिलावट कर देगा, तो जाहिर सी बात है धर्म और आस्था पर अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो विवाद होगा। उसी के लिए नेम प्लेट लगाना, ये सारी चीज़ें किया गया था। और इसके अलावा जागरूक होने की ज़रूरत है, जो विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के, उनको भी समझना होगा, उनको भी सोचना होगा, उन्हें क्या बुराई है अपनी बताने के लिए हमारी दुकान है करने में। इसके अलावा उनको आस्था में क्यों ठेस पहुंचाते हैं, कभी उनके कभी बताइए कि कभी ज़्यादा सुनने में नहीं आया होगा कि उनका कोई यात्रा चल रही हो या जुलूस निकल रहा हो उसमें कोई हिंदू ने विवाद किया हो, लेकिन हमारे हमेशा आस्था ठेस पहुंचा के विवाद होता है और यही उपद्रव का कारण है। यही वजह आपको भी लगती है? हाँ, वजह यही लगती है और क्या है भाई, किसी की आस्था को आप ठेस पहुँचाएंगे तो निश्चित रूप से वो उस पर उग्र होगा। आस्था पर ठेस पहुंचती है इसलिए उग्र होता है, यकीनन बात सही है जी। और आस्था पे ठेस पहुंचाया ही क्यों जाए, अपने अपने नियंत्रण में रहे लोग, अपने अपने उसमें रहे, हद में रहे, ना हम उनको पहुंचाएं ना वो हमको पहुंचाएं। पहुंचाएंगे तो फिर पहुँच वाले की जिसकी पहुंच होगी, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, झगड़ा हो जाता है फिर। देखिए हर धर्म की एक परिधि बनी हुई है, उस परिधि के अंतर्गत रहिए आप तो कभी कोई समस्या नहीं होगी। संविधान में भी लिखा हुआ है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक वो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक ना हो। आप खुश रहिए बट दूसरे को दुखी करके नहीं। यही सीमा रेखा होनी चाहिए कि कोई किसी दूसरे को बाधा ना बने। कुल मिलाकर हर नौकरी करने वाले को वर्गवाद है, अधिवक्ता से कोई लड़ाई ले, पुलिस से कोई लड़े तो झगड़ा हो जाता है, या आज हमारे कावर वाले जा रहे हैं उनको यदि कोई परेशान कर रहा है तो एक वर्ग बन गया है ना कावर का, उनसे क्यों आप लड़ रहे हैं? वो गलत हैं या सही हैं, धार्मिक है ना, वो जा रहे हैं 200-200 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है, उसके अलावा आम जनता उनके ऊपर गाड़ी चला दे रही है, कोई ईंटा मार रहा है, पत्थर मार रहा है, तो ये गलत है ना, इसको योगी सरकार को रोकना चाहिए। कि जिम्मेदारी सरकार की तो हर चीज़ में होती है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक हो जाए तो यहाँ का जो SO है रिस्पॉन्सिबल होगा नहीं होगा? तो अगर हम प्रदेश में रह रहे हैं, हमारे साथ कोई भी घटनाएँ दुर्घटनाएँ होती हैं तो जिम्मेदारी तो परोक्ष अपरोक्ष सरकार की होती ही होती है। और रही बात भैया जो बताया उन्होंने नशे में रहते हैं, नशे में कोई नहीं रहता है, नशा एक तरह से क्या होता है, भक्ति का नशा भी है, जैसे आप बहुत खुश होइए तो एक नशा आपके अंदर आ जाता है, बहुत दुखी होइए तो आप गमगीन हो जाते हैं, वो भी नशा होता है। तो जब आदमी भक्ति के रंग में सराबोर होता है, आप मंदिर में बैठिए झंझना बज रहा है, ढोलक बज रही है, तो आपके अंदर एक अजीब सा उन्माद, धार्मिक उन्माद होता है, तो उस उन्माद को आप, उस चीज़ को आप नशा नहीं कह सकते हैं। नशा तो कोई दारू पिया है, कोई जो है गांजा पिया उसको कहा जाता है। हम जब बहुत खुश होते हैं, जैसे अभी आप आपसे मिल रहे हैं, चीज़ों कह रहे हैं और मैं चीज़ों कहते कहते अगर भावुक हो जाऊं तो उसको आप कह दीजिए नशा है, तो इस चीज़ को नशा कहना सर्वथा गलत है। और सरकार की जिम्मेदारी तो हर चीज़ों में होती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, सरकार पर ही सब कुछ छोड़ देना ठीक नहीं है, और जिस तरह के उपद्रव की जो बात की जाती है वो बेहद नाम मात्र के होते हैं, कई बार जो है बहुत छुटपुट घटनाएं होती है, और कई बार लोगों का ये भी कहना है कि जब तक कांवरियों को छेड़ा नहीं जाता वो उपद्रव नहीं करते हैं।